तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप Redmi Note 10 फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक जो है यहाँ पे MIUI 13 की जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट है वो रिलीज हो चुकी है, जो कि ग्लोबल यूजर हैं उनके लिए, ठीक है, इंडिया वाले के लिए नहीं हुई है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको क्या क्या चीज़ें न्यू देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो होम स्क्रीन है कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है MIUI 13 में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में ले जाके कि मतलब MIUI 13 मैंने इंस्टॉल की भी या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए MIUI 13 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जो कि इसका वर्जन आप देखिए 13.0.5.0 है। उसके बाद बैक करके मैं आपको दिखाऊँ, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए MIUI वर्जन जो है वो है 13.0.5.0, ठीक है, जो कि MI लिखा हुआ है यानी कि ग्लोबल वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन जो है वो एंड्रॉयड 12 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो एंड्रॉयड 12 में के साथ आपको ये देखने को मिल जाती है। उसके बाद और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच, जो कि 1 जनवरी 2022 का आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप होम स्क्रीन पर देखिए, आपको एक वॉलपेपर देखने को मिलता है। और उसके बाद विजिट्स की बात करें तो यदि आप यहाँ पर टेप करके रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वॉलपेपर और विजिट्स और सेटिंग्स का जो आइकन था वो कुछ इस प्रकार से नहीं दिखाई देता था, वो दूसरे तरीके से दिखाई देता था, लेकिन अभी आपको इस तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे विजेट पर यदि आप जाएंगे तो विजेट में आपको कुछ इस प्रकार के विजेट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक विजेट और देखने को मिलता है जो कि गैलरी का है। यदि आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, जूम वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद डन कर देना है और आपका जो फोटो इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहे तो इसको उठा के भी इधर उधर रख सकते हैं। यदि आप दूसरे स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इसको ले जा सकते हैं और इसको चाहे तो क्लिक करके फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताऊँ नेक्स्ट चीज़ जो मिलती है, यहाँ पे आपको इस फ़ोन को मैं स्विच ऑफ करके आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका स्विच ऑफ करने के बाद आपको इसमें जो है आवाज़ कैसी है इसकी और आपको जो एनिमेशन है स्विच ऑफ ऑन करने की, तो वो कैसे आपको मिलती है वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर छोटी सी आवाज़ आपको सुनने को मिलती है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका लोगो आता है, जो कि MIUI 12.5 में कैसा आता था, मतलब कि कलर आता था, लेकिन आपको कलर देखने को नहीं मिलता है। तो इतने देर में कुछ आपका डिवाइस जो है यहाँ चालू होता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट चीज़ आपको क्या मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैं पावर मेन्यू खोलूँ तो पावर मेन्यू के जो बटन है वो आपको MIUI 12.5 तक के भी नहीं दिखाई देते, ठीक है, जो MIUI 12 में आते तो वही आपको यहाँ पर शो होते हैं, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर देखेंगे तो भी आपको MIUI 12 जैसा ही देखने को मिलता है। वैसे MIUI 13 का देख MIUI 12.5 का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता था ना वो कंट्रोल, मतलब कि आप जो है डाटा यूसेज वगैरह देख सकते थे, तो वो चीज़ अभी भी नहीं दी है इन्होंने, ठीक है, तो ये तो इनकी गलती है। और उसके बाद आगे मैं आपको बात करूँ तो आप यहाँ पर कैमरे में जाएंगे या कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ग्रीन कलर का डॉट, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं कर सकते, इसको आपको जो स्टेटस बार है उसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इस पर देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन जो अभी चली हुई है वो कौन कौन सी चीज़ आपकी यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो इसने यूज़ कर रखा है। यदि मैं यहीं पे वीडियो चालू कर लूँ, ठीक है, तो वीडियो चालू करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करके तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका जो है माइक और वीडियो दोनों यूज़ कर रखी है इस एप्लीकेशन में। इसी तरीके से आप हर एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो ये नई चीज़ दी हुई है कैमरे में। उसके बाद बात करें और चीज़ों में तो आप यहाँ पे गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो खोल लेता हूँ। फ़ोटो खोलने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट का एक आइकन मिल जाता है ऊपर। एडजस्ट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इस फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह करना है, जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होता है तो उसको क्रॉप कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बनाना, ब्लैक एंड व्हाइट इनहेंस्ड वर्जन, इनहेंस्ड भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद सेव आप इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के लिए है, यहाँ पे आपका इसका कोई भी यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक नया फीचर प्रोटेक्टिव वाटरमार्क। इस पर यदि आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, अब मान के लिए आपको किसी को फोटो सेंड करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने चैनल का नाम या कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मतलब TechnoBP, इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए आप फोटो इस तरीके का आपको बन चुका है। इस फोटो को यदि कोई चुराएगा भी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा TechnoBP लिखा हुआ इस तरीके से। तो आप अपने फ़ोटो को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी खुद का एक कॉपीराइट दे सकते हैं। और भी यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाती है,
जैसे कास्ट मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे गूगल लेंस वगैरह, ये तो सब पहले से था, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बात करें यहाँ पे और कुछ नई चीज़ की, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं देखने को मिलती है, सारी चीज़ वही है जो कि MIUI 12.5 में थी। तो मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद ये शायद पहले नहीं था। यहाँ पे जाएंगे बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस मोड आपको देखने को मिल जाता है, एक सेव बैटरी पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। बैलेंस मोड में आप देखिए 21 घंटे 50 मिनट चलती है, यदि आप इसको सेव कर लेंगे तो 26 घंटे 51 मिनट आपकी बैटरी चलेगी। उसके बाद परफॉर्मेंस मोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी 20 घंटे 45 मिनट बैटरी चलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है जिससे कि आपकी बैटरी जो बचेगी। उसके बाद बैक करते और एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है स्पेशल फीचर्स में, यहाँ पर लाइट मोड आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप ऑन करके आप इसको फ़ोन को लाइट मोड में यूज़ कर सकते हैं। लाइट मोड का मतलब जैसे कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं वो आपके फ़ोन को चलाएंगे तो इस हिसाब से आपका जो फ़ोन का जो सारी चीज़ें हैं, देख यहाँ पे आपके जो आपके वो हैं आइकन, ये मोटे मोटे हो चुके हैं, टेक्स्ट वगैरह मोटे मोटे हो चुके हैं इस तरीके के, तो ये उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। यदि कोई दिक्कत है और आपको ये अपडेट कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस बाय।